हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, अब लग रहा है कि एलटी ग्रेड एसएसटी और हिंदी का रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, हम लोगों को जल्दी ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल जो विक्की खान प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से आयोग में अध्यक्ष जी से मिलने की तैयारी थी, तो उसी संबंध में कुछ सूचना है। वैसे तो आप लोग जान भी चुके होंगे, लेकिन कुछ और भी सूचना है। सारी सूचनाएँ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। जैसा कि उन्होंने कल की विज्ञप्ति में लिखा भी था कि आज दिनांक 16 सितंबर को एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों का एक शिष्टमंडल दोपहर 12 बजे ही चेयरमैन से मुलाकात हेतु आयोग पर जमा था। चेयरमैन द्वारा वार्ता हेतु उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव को शाम 6 बजे भेजा गया। उप सचिव से लगभग आधे घंटे की वार्ता में कोई निष्कर्ष ना निकल पाने पर चेयरमैन ने स्वयं फ़ोन किया तथा मोर्चा के संयोजक विक्की खान से लगभग 10 मिनट तक वार्ता की। और वार्ता में चेयरमैन ने कहा कि 4 दिन पूर्व उनके द्वारा एसएसपी वाराणसी को एक पत्र भेजकर कुछ दस्तावेज मांगा गया है और इसके लिए वाराणसी एसएसपी को 2 बार फोन भी किया गया है। चेयरमैन के अनुसार उक्त दस्तावेज 2 दिनों में मिल जाने की संभावना है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने की बात हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन का कहना है कि ये दस्तावेज प्राप्त होते ही 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है 1 सप्ताह के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण पर अगले सप्ताह निर्णय लिए जाने की पूरी संभावना है, यानी कि अगले सप्ताह तक निर्णय ले लिया जाएगा इस प्रकरण पर, यानी कि एसएसटी और हिंदी के रिजल्ट पर एक जो निर्णय है, उपयुक्त निर्णय है, जो सही निर्णय है वो ले लिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। तो अब जो है ये संभावना जताई है, देखते हैं ये संभावना कितनी सही साबित होती है। इस अवसर पर मोर्चा संयोजक विक्की खान, अनिल उपाध्याय, शेर सिंह, पंकज कुमार, उदय यादव, प्रमोद यादव, दयाशंकर, अरविंद सरोज तथा महेंद्र कुमार आदि अनेक प्रतियोगी छात्र उपस्थित रहे। तो ये तो संदेश था विक्की खान के द्वारा जो कल का है। तो इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट है, अगर 1 सप्ताह में इस पर फैसला ले लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम रिज़ल्ट में नहीं लगेगा। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एसएसटी हिंदी के रिज़ल्ट का, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब अब हम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उदासी छाई रहती है, तो वो और फिर ऊपर से आजकल देखा ही जा रहा है कि नए नए कानून बनते जा रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अब एक जॉब मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी, और साथ ही जल्दी हो जाए तो और अच्छा है, वरना आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या नियम बनने वाले हैं। साथ और आगे इन्होंने देखिए एक पोस्ट और भी डाली है इन्होंने, मतलब हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं या एक भरोसा रख सकते हैं कि अब रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं विक्की खान जी, उनका नेतृत्व भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। साथियों, इन्होंने लिखा है, साथियों मैं एक सत्याग्रही हूँ, सत्य और संघर्ष मेरे 2 जुड़वा भाई की तरह, सत्य मेरा धर्म भी है और कर्म भी है। इस पथ पर चलते हुए मैं ध्यान नहीं रखता कि मेरे बारे में कोई क्या कहता है और क्या सोचता है, इसके लिए मैं मतलब एकल चलो की राह पर भी चल सकता हूँ, अकेला चलो की राह पर भी चल सकता हूँ। गांधी जी को भी पता था कि मात्र असहयोग से आज़ादी नहीं मिलेगी, भारत छोड़ो की नौबत आ सकती है। आज चेयरमैन के साथ हुई 10 मिनट की वार्ता के आधार पर मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि वह अपना वचन निभाएंगे, यानी कि उन्हें विश्वास है। तो अब हमें भी अपना विश्वास मजबूत करना होगा, देखते हैं रिजल्ट आ जाए। और अब तो देखिए चार्जशीट वाला मैटर भी सुलझ चुका है, और जो 2 पेज का उन्होंने कुछ और दस्तावेज मांगा है, तो उसको 2 दिन के टाइम की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो भी अगर मिल जाए तो फाइनली ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगले सप्ताह तक हम उनका इंतज़ार करेंगे, नहीं तो भारत छोड़ की आहूति के लिए तैयार रहें। आप सबका विक्की खान। तो इसका मतलब है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और देखिए रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि 13 सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट कैंसिल नहीं होंगे, वरना पूरी भर्ती जो है ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इतना बड़ा ख़तरा तो चेयरमैन साहब नहीं लेंगे मोल। तो इसका मतलब है अब जो है रिज़ल्ट आने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, और जो मतलब थोड़े बहुत पेंच फंसे हुए थे वो भी पेंच सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं।
चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, हमारे इस चैनल पर काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, और करंट का एक मास्टर वीडियो भी पड़ा हुआ है जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग उन सारे वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF भी मिल जाएगी, तो आप PDF भी ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।